बॉलीवुड एक्ट्रेस और ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पूर्व मिस वर्ल्ड और टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल ऐश्वर्या ने अपने फिल्मी करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐश्वर्या ने कई ऐसे गलत फैसले लिए जिसके चलते उनका फिल्मी करियर ग्राफ नीचे आया। आइए आपको तस्वीरों से बताते हैं ऐश्वर्या के करियर की 7 गलतियाँ। साल 1996 में रिलीज हुई राजा हिंदुस्तानी में लीड रोल आरती के किरदार के लिए ऐश्वर्या राय पहली चॉइस थी, लेकिन ऐश्वर्या ने ये ऑफर ठुकरा दिया, जिसके बाद करिश्मा कपूर ने इस रोल को अदा किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। साल 1998 की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी का टीना का किरदार पहले ऐश्वर्या को ऑफर किया गया था, लेकिन मैडम ऐश्वर्या ने इस ऑफर के लिए भी मना कर दिया था। फिल्म अशोका में करीना कपूर का रोल दर्शकों को खूब पसंद आया था, लेकिन इस रोल के लिए भी पहले ऐश्वर्या राय को ही चुने जाने की बात सामने आई थी, लेकिन ऐश्वर्या ने इस किरदार के लिए भी ना कर दी थी। साल 2003 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS में पहले मुख्य किरदार के लिए शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को साइन करने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दोनों ही स्टार्स ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म कॉर्पोरेट में लीड रोल के लिए ऐश्वर्या को साइन करने की चर्चा थी, लेकिन बाद में इस रोल के लिए बिपाशा बसु को साइन किया गया था। हॉरर और कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया में विद्या बालन की जगह ऐश्वर्या राय डायरेक्टर की पहली पसंद थी, लेकिन ऐश को ये किरदार भी रास नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।